तक कहे और से इसको जरा सुनिए बड़ी है इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है। हजरत जुमे की नमाज के बाद इमाम मस्जिद तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर में बिस्मिल्लाह की अजमत का बयान बता रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने बताया कि सच्चे दिल से जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखेगा वो बगैर कश्ती के दरिया पार कर जाएगा, वो डूब नहीं सकता। गांव देहात का एक आदमी वो तकरीर बड़ी गौर से सुन रहा था। उसने इमाम साहब की बात दिल में बसा ली और बिस्मिल्लाह पर यकीन कर लिया। अब आगे सुनिए। दर हकीकत है ये बिस्मिल्लाह एक आयत अजीम मेहरबदर असल है जिस पर खुदा वंदे करीम शख्स जो भी पढ़ के बिस्मिल्लाह कुछ करता है काम फजल हक से कामयाबी उसको मिलती है मुदाम। ऐसे भी कुछ लोग हैं कम अकल और कोताही असलियत में उस पे जो करके नहीं पूरा यकीन। ऐसे ही एक सीधे सादे मुल्ला जी का है बयान दर्श इबरत बन गई जिनकी ये तरफा दास्ता। एक दिन बादे नमाज जुमा मस्जिद बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान। पढ़कर सथे दरिया पर जो रखेगा कदम पार कर जाएगा वो उसको बस जाओ हशम। करके जाते पाक पर अल्लाह का पूरा यकीन जो भी चाहे आजमा ले अहल दीस को कहीं। दूर के एक गांव का एक शख्स उस मस्जिद में था मुल्ला जी का ये उसने बड़े दिल से सुना। आदमी पूरा यकीन करके वो बिस
जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर। राह में पड़ता था एक दरिया बड़ा ही पुरखतर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर। वो आदमी तकरीर सुनकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में दरिया पड़ता था जो बड़ा पुरखतर था, जिसकी वजह से उसे काफी घूम कर जाना पड़ता था। उस दिन उसने इमाम साहब के बताने के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पांव रखा और चलते हुए पार कर गया। वो खुश खुश घर पहुंचा। अब वो रोज इस तरह आता और इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर जाता। इस वाकये में अब आगे क्या होता है लीजिए समाप्त फरमाइए। उसने सोचा अब मैं इस दरिया से चल कर जाऊंगा, बिस्मिल्लाह रखा उसने दरिया पर कदम, पार उसको पल में कर डाला बसत जा हो हशम, हो गया पगले खुदा से पानी उस दरिया का शल, दे दिया अल्लाह ने उसको अकीदे का बदल, आदमी वो शान से खुश हो के पहुंचा अपने घर और सारे गांव वालों को सुनाई ये खबर। बात बिस्मिल्लाह के इस मौजज़े की जब सुनी, शहर और गांव के लोगों में मची एक खलबली, शहर आते जाते दरिया को जब करता था पार, शहर आते जाते दरिया को जब करता था पार, शहर देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार, देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार, देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार, देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार। शहर आते जाते दरिया को वो जब करता था पार, देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार। जब लोगों ने बिस्मिल्लाह के इस मोजज़े की बात सुनी तो खलबली मच गई। तमाम लोग देखने आए, कहीं कोई अवतार पीर वली तो नहीं है, कोई जादूगर तो नहीं है। जब ये बात इमाम साहब ने सुनी तो वो भी दरिया के किनारे गए। वो आदमी जब बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर गया तो इमाम साहब को बड़ी हैरत हुई। आगे समाप्त कीजिए। कोई कहता था बड़ा अवतार पैगंबर है ये, और कोई सोचता था दिल में जादूगर है ये, मच गई उस शख्स की हर एक गली कूचे में धूम, उसके पीछे एक लगा रहने लगा हर दम हुजूम, लोग झुक झुक कर उसे करने लगे सब ही सलाम, हर जगह होने लगा उसका अदब से एहतराम, असल में चारों तरफ जब उसकी शोहरत हो गई, देखने की उसको हर एक दिल में चाहत हो गई, शहर की उस जामा मस्जिद में ये जब पहुंची खबर, आए मुल्ला जी वो दरिया के किनारे दौड़ कर, उस रजब दरिया के ऊपर से वो कर लेखना, उस रजब दरिया के ऊपर से वो कर लेखना, उस
देखकर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम, देखकर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम, देखकर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम, देखकर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम। उतरा जब दरिया के ऊपर से वो होकर नेक नाम, देख कर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम। इमाम साहब उस आदमी से पूछने लगे कि सच सच बताओ, क्या पढ़कर तुम दरिया को पार कर जाते हो? उस आदमी ने इमाम साहब को पहचान कर सलाम किया और अदब से कहने लगा, आप मेरे सच्चे रहबर हैं, आप ही ने तो जुमे की तकरीर में बताया था कि जो सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखेगा वो बगैर कश्ती के पार हो जाएगा। सामईन हजरात अब आगे सुनिए। के नेक बंदे मुझको ये सच सच बता, रुतबा ये किस कलमाए हक से हुआ तुझको अता, कौन सा कलमा तू पढ़कर करता है दरिया को पार, जानने के वास्ते ये बात हूँ मैं बेकरार। उसने मुल्ला जी को पहचाना, किया झुक कर सलाम, अदब के साथ वो करने लगा उनसे कलाम, आप ही हजरत मेरे रहबर हैं सच्चे बाखुदा, आप ही से तो ये मुर्दा चीज को रुतबा मिला, आपने जो पिछले जुमे को दिया अपना बया, आपने जो पिछले जुमे को दिया अपना बया, आपने जो पिछले बिस्मिल्लाह की खूबी आया, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबी आया, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबी आया, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबी आया। आपने जो पिछले जुमे को दिया अपना बयां, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबियां आया। उस आदमी के बताने पर इमाम साहब को याद आ गया कि मैंने जुमे के दिन ये बयान किया था। जब लोग दरिया के किनारे से चले गए तो डरते डरते बेयकीनी के साथ ऊपरी दिल से बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में पैर रख दिया, खौफ के मारे पीछे हट गए। अब आगे क्या होता है समाप्त फरमाइए। सच्चे दिल से पढ़ के बिस्मिल्लाह ये करता हूँ काम, उसकी अजमत से मिला है मुझको ये आला मकाम, आ गया फिर याद मौलाना को वो अपना बयां, ते उन्होंने कर लिया मैं लूंगा इसका इंतहा, लोग जब दरिया किनारे से हटे जब सब के सब, उनके दिल पे खौफ का तारी हुआ आलम अजब, डरते डरते पहुँचे मुल्ला जी वो उस दरिया के पास, फजल हक की बेयकीनी से लगा कर दिल में आस, ऊपर दिल से पड़े अल्लाह के कलमा के खैर, पढ़ के बिस्मिल्लाह फिर पानी पे रखा अपना पैर, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, डूबने के खौफ से फौरन वो पीछे हट।
ڈوبنے کے خوف سے فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے، حوصلے کے دل میں جو رشتے تھے سب وہ کٹ گئے۔ امام صاحب کو بسم اللہ کی عظمت پر یقین تو تھا نہیں، پانی پر بار بار اپنا پیر رکھتے اور ہٹا لیتے، لیکن جب اندھیرا ہو گیا تو جوش میں آ کر دوڑ کر دریا میں چھلانگ لگا دی، تھوڑی دیر میں ڈوب گئے۔ صبح جب لاش تیر کر اوپر آئی تو لوگوں کو ان کی بے یقینی کی خبر ہوئی۔ لوگوں نے ان کا مزار دریا کے کنارے بنا دیا۔ بے شک اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن دل میں مکمل یقین ضروری ہے۔ سامعین حضرات، سماعت فرمائیے۔ ان کو ہر سو موت کا منظر نظر آنے لگا، دل پہ ان کے بے یقینی کا اثر چھانے لگا، خوف سے اپنا قدم پانی پہ رکھ کر بار بار پیچھے کو ہٹتے رہے، وہ شام تک نوار ان کی گھبراہٹ نے کچھ ایسا کیا ان پر اثر، جس کے غلبے سے پسینے میں ہوئے وہ تر بتر، الغرض اس کشمکش میں جب اندھیرا ہو گیا، موت کی قربت کا ان کے گرد گھیرا ہو گیا، بے یقینی کی بنا پر ان کی حالت عجیب، در حقیقت آ گیا تھا ان کی گردن میں نصیب، پڑھ کے بسم اللہ کر کے موت سے
और